नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम और बेहतर वीडियोस बना सकें। चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं पहले बता दूँ। जैसे कि ये स्लीव्स है, यहाँ पर मैं इसे इस तरह से पक्का कच्चा करके इस तरह से 1 इंच की ये छोड़ दूंगा और इस पर कच्ची सिलाई लगा दूंगा, तो ये आस्तीन का काम हो जाएगा, इस पर तुरपन का काम हो जाएगा। ये मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। इसमें जो मेन काम है कटोरी में टक्स लगाना, वही मैं यहाँ पर शॉर्ट रूप में आपको बताऊँगा ईजिली तरीके से। अब देखिए, डबल कटोरी में सबसे पहले डार्ट लगाएंगे, टक्स लगाएंगे। यहाँ पर ये जो मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसे भी जवाबी लगाएंगे, इस पर भी आप निशान लगा के रखें। इस तरह से पहले ही मार्किंग कर लें आप तो ध्यान रहेगा, ठीक है। और यहाँ से लेते हैं और ये देखिए, यहाँ से इसे और इस तरह से क्रॉस में ले लेंगे यहाँ पर। इसे इस तरह से कर लें ताकि खिंचाव न दे, ऊपर की तरफ खिंचाव न दे, छोटा वाला फ्रंट की तरफ, बड़े वाला साइड की तरफ। और ये इसका गला राउंड शेप आगे की तरफ रखेंगे और इसे यहाँ पर मिलाएंगे और जितना मार्जिन छोड़ा है उतना लेते हुए अपने को सिलाई लगानी है। और ये बिल्कुल परफेक्टली अपना आ गया है। इसी का जवाब भी अपने को ये लेना है। जैसे मान लीजिए इस तरफ आपका बड़ा पार्ट है तो ये बड़ा पार्ट आ गया, टक्स नीचे आ गई, और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेंगे राउंड से फ्रंट मेरी तरफ। इस तरह से सिलाई लग चुकी है और इसे इस तरह से देख लें तो ये देखिए कटोरी बहुत शानदार बनी है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसे जोड़ेंगे साइड पार्ट से, तो ये ले लेते हैं। ये इसका फ्रंट है, गला है, ये आर्म होल है। तो इसमें पहले तो इसको मिलाकर देख लें कि आपकी कौन सी यहाँ पर फिट बैठने वाली है। तो ये देखिए, ये वाली मेरा जो है इसमें आएगी, ठीक है। तो इसे रखेंगे इस तरफ से और इसको नीचे की तरफ लेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबर से लेते हुए इस तरह आपको सिलाई लगानी है। अब कटोरी दूसरी इसी के जस्ट जवाबी गले से गला मिलाना है और यहाँ पर भी वही चीज़, ये इससे मिला लेंगे और यहाँ पर भी वैसे ही सिलाई लग। इस तरह से परफेक्टली कटोरी जो अपनी बनी है और कटोरी की तरफ मार्जिन रखते हुए इस तरह सूती लगानी है आपको, मतलब नाखून से आपको मार्जिन एक तरफ कर लेनी है। इसमें गला भी बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है। अब इसका बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट पे भी आप इसी तरह से निशान लगा लें उल्टा सीधे का, और ये नीचे रखते हैं और ये वाला लेते हैं इस पर, और इसे भी आप मिलाकर देख लें। तो ये देखिए, मेरा मार्जिन जो मैंने यहाँ पर लिया था 1.5 इंची, वो बिल्कुल बराबर है और ये बेल्ट भी मेरा बराबर आ रहा है। अगर आपका छोटा बड़ा है तो इस टक्स में से आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और इसमें वही बराबर लेते हैं। दूसरा बेल्ट जस्ट ऐसे ही रखना है और इसको भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अपना जो बेल्ट भी है
ठीक है, लग जाए। इस तरह से अपना बेल्ट और कटोरी का काम हो चुका है। ये भी है, इसी तरह से आपको जवाबी लगाने हैं सेम ऐसे ही, ठीक है। तो अब इसमें बता दूं आपको, ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी जितना मार्जिन यहाँ पे छोड़ा था ये वाला मार्जिन उतनी थी, मैंने डार्ट लगाई है। इसमें शोल्डर करेंगे, बैक रखेंगे नीचे और इसे रख लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसमें शोल्डर का टांका भी लगा लेते हैं। इस तरह शोल्डर हो गए और साइड की सिलाई भी मिलाकर देख लें। ये देखिए मेरी साइड जो है इसकी बैक और फ्रंट की बिल्कुल बराबर है। अब इसमें आस्तीन लगानी है। आस्तीन कैसे लगाते हैं, ये इस तरह से रखेंगे और ये उल्टा फीस ये रखेंगे। आस्तीन की मैंने फोल्डिंग पहले कर ली थी, और इसमें ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट रखेंगे और इसे कुटके से मिलाएंगे यहाँ पर, और इस निशान को मिलाते हुए, इस कुटके को मिलाते हुए इस तरह से अपने को ये सिलाई लगा लेनी है, बैक से बैक और फ्रंट से फ्रंट, ठीक है। और ये देखिए इसी तरह से अपनी जो है दूसरी स्लीव जो है लगेगी। आस्तीन लगने के बाद में ये जो साइड है इसकी, ये वाली मार्जिन को ऊपर रखते हुए यहाँ नोक की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर आएगा, और मार्जिन बेल्ट का नीचे की तरफ लगाना है। ऐसे ही करके अपने को ये सिलाई लगानी है। अब दो पट्टियाँ लेनी है खड़े कपड़े में, एक चौड़ी लेनी है और एक थोड़ी छोटी लेनी है। यहाँ पर मैंने करीबन 3 इंची एक पट्टी ली है और 3.5 इंच दूसरी पट्टी ली है, ठीक है। एक अंदर की तरफ चिपवा पट्टी लगेगी और एक बढ़ुआ पट्टी। तो सबसे पहले चिपवा पट्टी लगा लेते हैं, इसे ऊपर से रखेंगे, जितना मार्जिन है 1/2 इंच का उतना मार्जिन लगाते हैं। ये तो हो गई ऊपर से, और दूसरी पट्टी लेंगे नीचे से इस तरह से। ठीक है, और इस पट्टी की यहाँ पर नोक की सिलाई लगा लेंगे, और जितना अपने को चाहिए 1 इंच की 1.25 इंच की उतनी का मार्जिन रखते हुए इसे अंदर की तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक कच्ची सिलाई तो ये अंदर की चिपवा पट्टी हो जाएगी, और ऐसे ही करके दूसरी वाली जो है यहाँ पर भी अपने को जितनी पट्टी चौड़ाई चाहिए उतनी इस तरह से रखेंगे, और एक सिलाई नोक की लगा लेंगे, एक इधर नोक की लगा लेंगे, और चाहें तो बीच में भी एक सिलाई एक पैर की लगा सकते हैं। तो ये काम भी मैं कर लेता हूँ। इस तरह से अपनी जो है पट्टी लग चुकी है, ये देखिए चिपवा और ये बढ़ती हुई पट्टी, ठीक है। अब इसमें नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। नीचे की तरफ पट्टी लगाने के लिए ये देखिए आड़ी पट्टी कटिंग करें, और इसे आप करीबन जो है 1.25 इंच के आसपास आप कटिंग कर सकते हैं, और इसे थोड़ा सा आगे रखते हुए जितना दबाव है ऐसे रखना है। जैसे ये चिपवा पट्टी लगाई है अंदर की, वैसे ही इसे करेंगे। यहाँ पर इस पर नोक की सिलाई लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ इस तरह से पक्का करते हुए, और इसे भी कच्ची सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। इसमें भी तुरपन का काम हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी पट्टी भी लग जाएंगी। इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए उरेब कैसे कटिंग करते हैं, मान लीजिए ये मेरा सीधा कपड़ा है, इसे इस तरह से करेंगे तो ये कपड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको उरेब की पट्टी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से आपको उरेब की पट्टी बड़ी कटिंग करनी है जो बढ़ती हुई है, ठीक है। और डोरे के लिए मैं ये पाइपिंग डोरा लूँगा, टूल डोरा, और इस तरह से मैंने ये पट्टी लंबी ले ली है। इसे बनाते कैसे हैं, यहाँ पर मैंने सिंगल फुट का यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें लेते हुए जितना डोरा आपके गले में लगेगा उतना ही अपने को लेना है, ताकि ज़्यादा वेस्टेज न जाए। और इसे रखते हुए एक पल्ला छोटा और एक पल्ला बड़ा, और पाइपिंग बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से अपनी जो है बिल्कुल धागे के पास में से सिलाई आनी चाहिए, तो आपका बूट सही सेट है। तो इस तरह से अपनी जो है पाइपिंग बन जाएगी। इस तरह से अपनी पाइपिंग बन चुकी है। छोटे वाला हिस्सा रखेंगे नीचे, ब्लाउज रखेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा आगे आगे की तरफ रखते हुए पाइपिंग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब पाइपिंग को खींच के रखेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे इस तरह से। कटोरी का दबाव उसी साइड में रखेंगे, और इस तरह से अपने को पूरे में
खींचते हुए लगानी है। पाइपिंग लगाने का तरीका यही है, लू छोड़ देंगे तो ये शोल्डर गिरेंगे, प्रॉब्लम आती है, गला फलक जाता है। तो ये पाइपिंग लगाने का इसी तरह से लगाते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये आगे वाला कपड़ा है, इसे इस तरह से रखूँगा और इसे यहाँ से इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इसमें फिर से जहाँ ये पाइपिंग लगाए वहीं पे सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा ये वाला उसे कटिंग कर देंगे और इस तरह से इसे तुरपन कर लेंगे। तो ये पाइपिंग अपनी दिखेगी और इस तरह से अपनी तुरपन हो जाएगी। इस तरह से अपनी जो पाइपिंग भी है लग चुकी है, एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने वो कटिंग कर दिया है, अब इसमें तुरपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक स्टेप भी लगा दी थी छोटी सी, अब इस पर फिटिंग का टांका लगाएंगे। तो फिटिंग का टांका लगाने के लिए मार्जिन था अपना यहाँ पर जो ये साइड का है, इसे आप कट लगा लें इतना सा और इसे कर लें सीधा, और ये जो मार्किंग है इसी के ऊपर एक बार फिटिंग का टांका लगा लें इस तरह से, ये मिला के रखें बिल्कुल, और बिल्कुल से आपको कहीं कुछ नहीं करना। और आस्तीन मोरी नाप लें, आस्तीन मोरी 12.5 छी तो 6.25 इंच पे ये निशान लगा लें एक, और तो ये आस्तीन ऐसे कैसे सीधी आ जाएंगी। ऐसे ही करके दूसरी साइड लगा लेंगे, इसके बाद में एक पैर की सिलाई यहाँ पर और लगा लेंगे। इस तरह से अपना फिटिंग का टांका भी लग चुका है स्टिच, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, कमर अपने को चाहिए इसकी 28 इंच, तो ये यहाँ से नापेंगे इसे कमर को ज़रा सा छोड़कर, और इस तरह से बिल्कुल फिक्स रखेंगे, और तो ये मेरा जो है 28 इंच इसमें आ जाएगी। इसमें ज़रा सा मेरा लूज़ था, मामूली साग जो मैंने यहाँ पर ज़रा सी लगा दी है कमर से, बाकी चेस्ट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। इसे भी नापने का तरीका ये देखें आप, इस तरह से रखें आप, इसे यहाँ पर गोडे पे रख लें आसानी से, और यहाँ से उकाई का पट्टी का कपड़ा छोड़ दें और यहाँ से इस कपड़े को पकड़ लें। इसके बाद में आगे से यहाँ पकड़ लें, क्योंकि इसका गला भी थोड़ा डीप है तो 1/2 इंच टाइट ही मेजरमेंट रख सकते हैं इसका, ज़्यादा लूज़ नहीं, और यहाँ से भी इसे नाप लें। तो ये 35.5 इंच आ रहा है, तो ये मेरा परफेक्टली है, मैंने 2 इंच रखा था, 1/2 इंच ही टाइट है तो सही है। इसका जो नेक डीप है 10 इंच ही है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से अपना जो है एक डबल कटोरी वाला ब्लाउज स्टिचिंग हो चुका है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद। एनी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।